बांग्लादेश में हालात बिगड़ रहे हैं, बांग्लादेश की सरकार से वह हालात संभल नहीं रहे। सवाल सबसे बड़ा यह कि बांग्लादेश की सरकार इस समय हिंदुओं के लिए क्या कर रही है, खुद के पास जवाब नहीं है। लेकिन भारत पर उंगलियों उठाने का पूरा चांस बांग्लादेश इस समय ले रहा है। एक बार फिर बांग्लादेश की सरकार ने भारत पर बोलना ज्यादा जरूरी समझा। अपने आंतरिक मामलों पर ध्यान देने, हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा करने के बजाय बांग्लादेश की सरकार भारत को जवाब देना ज्यादा जरूरी समझ रही है। लिहाजा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए जब पूरी भारतीय मीडिया में बांग्लादेश चर्चाओं में है, तो इस समय बांग्लादेश खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है और उल्टा भारत और भारतीय मीडिया पर सवाल खड़े कर रहा है। भारत बांग्लादेश का सच दुनिया तक पहुंचा रहा है, इस बात का डर बांग्लादेश को सता रहा है। लिहाजा बांग्लादेश ने भारत पर अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा में डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरी नीति का आरोप लगाया है। भारतीय मीडिया पर ढाका के खिलाफ बड़े पैमाने पर गलत जानकारी फैलाने का अभियान चलाने का आरोप बांग्लादेश ने लगाया है। पड़ोस में विवाद तब और बढ़ गया जब हिंदू धार्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। भारत में इसकी घोर निंदा हुई। बांग्लादेश पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, पूरी दुनिया तक बांग्लादेश में हो रही हिंसा का सही मैसेज इस समय भारतीय मीडिया पहुंचा रही है। एक मत होकर एक आवाज बनकर भारत सरकार और भारतीय मीडिया बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को दिखा रहा है, उस सच को दुनिया तक पहुंचा रहा है जिससे दिखाने से बांग्लादेश डरता है। और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इसी का हवाला देते हुए भारत पर उल्टा आरोप लगा रहा है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के विधि मामलों के सलाहकार असफ नजरुल ने एक की अधिकांश बांग्लादेशी मानते हैं कि अंतिम सरकार ने देश के अल्पसंख्यक समुदाय को पहले की आवामी लीग सरकार की तुलना में बेहतर सुरक्षा प्रदान की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश सरकार द्वारा बोला गया यह एक एक झूठ उसके सच को छिपा नहीं सकता, इस बात को नकार नहीं सकता कि बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, उन्हें नष्ट करने की कोशिश हुई, हिंदुओं को डराया गया, उनके घर से निकाला गया, जबरदस्त आगजनी हुई, यहाँ तक कि पंडितों और पुजारी को भी अपमानित किया गया, हत्या और साजिश के तहत जेल में डालना अब आम बात हो गई है। लेकिन बांग्लादेश की सरकार इस पर पर्दा डालने के लिए भारत पर उंगली उठा रही है।